पिछले क्लास में हम लोग मेटल मेटल आयन इन्सॉलिबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे और उसमें एक केस हम देखे थे एक एग्जाम्पल हो गया था दूसरा एग्जाम्पल देखिए एन में इस पर एक दो क्वेश्चन है यदि आप इसको नहीं समझेंगे तो परेशानी होगी पहला एग्ज़ाम्पल तुम लिखा था ना कल वाला ए जी ए जी सी एल इलेक्ट्रोड अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लिखिए तो ये एग्जाम्पल नंबर टू है इसको हम लोग बोलते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड अब ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैसे काम करता है इसको समझिए पहले ये टर्म आएगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड कैलोमेल इलेक्ट्रोड में ना मरकरी का यूज़ किया जाता है एच का यूज़ किया जाता है तो ये कैसे काम करता है पहले आप इसको फिगर पर समझ लीजिए आप हेडिंग डाल चुके हैं आप ये लेक्चर नंबर फोर है आपका शायद ये लेक्चर तभी तो समझ में आएगा जब पिछला सब लेक्चर आप देखे हुए हो अदरवाइज दिक्कत होगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड ये हेडिंग है हम इसको मिटा रहे हैं चूँकि फिगर थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा सारा रिएक्शन हमको लिखना पड़ेगा इसीलिए जो नहीं लिखे हैं जल्दी से लिख लीजिए हो गया क्या देखो इस कैलोमेल इलेक्ट्रोड में हम एक बर्तन लेते हैं एक बार फिर से बता रहे हैं इलेक्ट्रोड जब भी हम बोलते हैं तो अधूरा बात होता है पूरा बात तब होता है जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पूरा बोलें क्योंकि एक इलेक्ट्रोड का मतलब या तो वहाँ ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा एक और वह दोनों काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे, दे एक भी, भी सकता है मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन की बात भी हो सकती है और रिडक्शन की बात भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन का लेन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन के लेने वाले रिएक्शन को भी आपको दिखाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन के देने वाले रिएक्शन को भी आपको दिखाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड का काम ही है या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर देगा।, देगा और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये लेगा या देगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला इलेक्ट्रोड कैसा है तो उसी में आपको अभी इसमें देखिए कि ये कैसे इलेक्ट्रोड का लेन करता है देखो इसमें एक रॉड डाल दिया जाता है प्लेटिनम का पानी भर लीजिए और इसमें डाल दीजिए आप एच जी टू सी एल टू यह सॉलिड होता है एच जी टू सी एल टू इसको हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं और यह सॉलिड होता है यह पानी में घुलता नहीं है लाइक ए जी सी एल जैसे ए जी सी एल कल नहीं घुला था उसी प्रकार एच जी टू सी एल टू भी पानी में नहीं घुलता है साथ साथ इसमें आप मिला दिए मिला दीजिए एक सॉलेबल साल्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट जैसे के सी एल ये पानी में घुलता है तो हम इसमें लिख दिए एक्वस एक यूट डाल के डॉट डाले इसका मतलब एक्वस तो ये पानी में घुल जाता है इससे आप एक वायर कनेक्ट कर दीजिए अब यही इलेक्ट्रॉन के लेने या इलेक्ट्रॉन के देने का काम करेगा अब देखिए ये कैसे काम करता है देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं पहले ये जो एच जी सी एल टू एच जी टू सी एल टू सॉलिड है तो हम कल बताए थे ना कि कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूटता ही नहीं है दो करोड़ दस करोड़ मॉलिक्यूल में दो चार दस को टूटेगा तो टूटेगा तो ये टूटता कैसे है सो देखो एच जी टू सी एल टू सॉलिड ये टूटता है एच जी टू टू प्लस और साथ साथ ये टूटता है टू सी एल माइनस में और हम बोले थे कभी भी कोई सॉलिड सब्सटेंस को तोड़ो इस तरह से तो ये रिवर्सिबल होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है मतलब टूटेगा भी और तुरंत ये जुड़ भी जाएगा मतलब दो तरफा रिएक्शन इसका चलता रहता है इसी दौरान ये जो टूटा एच जी टू प्लस यही एच जी टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा ना देखो एच जी टू प्लस का पहले आप मतलब समझिए एच जी पर टू प्लस चार्ज है इसका मतलब ये हुआ कि एक एच जी के एक एटम पर दो पॉजिटिव चार्ज और एच जी टू टू प्लस इसका मतलब हुआ कि एच जी का दो एटम आपस में जुड़ा हुआ है और दोनों पर एक एक चार्ज है कुल मिला के डबल चार्ज है यानी ऐसा एच जी एच जी एक प्लस इस पर और एक प्लस इस पर तो अब आप बताइए जब ये आयनिक फॉर्म में रहता है तो ये 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 इस तरह से रहता है तो एच जी टू टू प्लस व दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इसको जैसे ही ऐसा होता है तो इसका चार्ज खत्म हो जाता है इसका चार्ज भी खत्म हो जाता है और ये ऐसी स्थिति में ये एटॉमिक फेज में आ जाता है और वो तो कंप्लीट क्या बनता है एच जी एच जी का कितना आइटम दो आइटम ये एक्चुअल में ना डाइमर के फॉर्म में रहता है वो कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन एक साथ रहता है वो तो ये डाइमर डाइमर के फॉर्म में रहता है आयनिक फॉर्म में तो जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना एच जी का दो गो एटम बनेगा तो यहाँ पर हम एच जी टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू एच जी तो ये हो गया टू एच जी और आप जानते होंगे कि एच जी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ये लिक्विड का निर्माण कर देता है ना कि सॉलिड का अब आप इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए जैसे कल किए थे याद है आपको बताइए क्या क्या लिखें एच जी टू सी एल टू सॉलिड प्लस एच जी टू प्लस 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 टू इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करेगा बताइए किसमें किसमें कन्वर्ट करेगा ये एच जी टू प्लस 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 टू सी एल माइनस प्लस टू एच जी लिक्विड में क्या कोई दिक्कत है इसमें अब कुछ कटेगा क्या एच जी टू प्लस एच जी टू प्लस कट जाएगा तो फाइनली इक्वेशन क्या मिलेगा बताइए ये मिलेगा एच जी टू सी एल टू सॉलिड ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा टू एच जी टू एच जी लिक्विड या फिर कहो तो टू सी एल माइनस और प्लस टू एच जी लिक्विड इसी में ना कन्वर्ट करेगा अब बताइए ये एक हाफ रिएक्शन है या फुल रिएक्शन आपको पिछले क्लास में बताया गया था यदि आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाए इसका मतलब ही है कि वो हाफ़ रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हाफ रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन लेन देन क्या हो रहा है यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो यदि हम इसी रिडक्शन हाफ को चाहें तो ऑक्सीडेशन हाफ में भी बदल सकते हैं तो ऑक्सीडेशन हाफ में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन हाफ ठीक है ठीक है ये हो गया रिडक्शन हाफ और इसी का उल्टा यदि लिख दें टू सी एल माइनस प्लस टू एच जी लिक्विड ये कन्वर्ट हो जाएगा एच जी टू सी एल टू सॉलिड प्लस टू इलेक्ट्रॉन और ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सुनिए ये तो अब आप समझे अभी तक आप जो समझे यही इसका थियोरिटिकल नॉलेज था अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझिए आप जब सामने से इस तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा यदि आएगा तो क्या होगा जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा दोगो उस दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा कौन इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर रहा है एच जी टू सी एल टू ये एच जी टू सी एल टू दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद दो चीज़ का निर्माण करेगा एक टू सी एल माइनस यानी अंदर में सी एल माइनस बढ़ने लगेगा और साथ साथ बनेगा एच जी का दो एच जी का दो एटम जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा थोड़े देर रिएक्शन होने के पश्चात न ऊपर पर लिक्विड जमा हो जाता है ऊपर पर या नीचे में जिस तरह का डेंसिटी रहेगा जनरली नीचे में बैठे बैठेगा ये लिक्विड क्योंकि थोड़ा हैवी होता है ये इस जगह पर ना ये एच जी का एच जी जमा हो जाता है किस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में क्योंकि बन क्या रहा है लिक्विड बन रहा है और ये मेटल का एटम है ये मिसेबल नहीं होगा अंदर सोल्यूशन में ये जहाँ भी रहेगा ऊपर में रहे नीचे में रहे वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा घुलेगा नहीं पानी में पाड़ा देखे हैं ना आप देखते होंगे हाथ से पकड़ाता नहीं है आप उसको पानी में डाल के देखिए यदि मान लीजिए वो ऊपर रह गया तो वो वो उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है और बहुत हैवी डेंसिटी होता है सिल्व ये मरकरी का पारा का लगभग 13.2 ग्राम पर एम होता है ऑलमोस्ट अब उतना हमको एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है लेकिन बहुत हैवी डेंसिटी होता है तो यहाँ पर निकला कौन चीज़ एच जी ये ये प्रोसेस कब हुआ जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ अब यही चीज़ जब इलेक्ट्रॉन देगा यानी सामने वाला इससे कम रिएक्टिव हो यानी ये ज़्यादा मज़बूत हो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इसका ज़्यादा हो तब क्या होगा तब इलेक्ट्रॉन देने वाला कम में ये होगा ना अंदर का जो सी एल माइनस है जो कि आएगा K CL जो के प्लस और सी एल माइनस से चूँकि इसका सी एल तो बहुत कम ना टूटेगा तो इसका जो सी एल माइनस है वह दो सी एल माइनस यदि ये वाला है तो ये भी जो भी सी एल माइनस है चाहे वह यहाँ से आया हो या फिर यहाँ से आया हो लेकिन मैक्सिमम सी एल माइनस यहाँ से आएगा चूंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है तो वह दो सी एल माइनस इस लिक्विड के साथ एच जी लिक्विड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के पश्चात एच जी टू सी एल टू का निर्माण करेगा जो सॉलिड वन के नीचे बैठ जाएगा और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ आगे फॉरवर्ड हो जाएगा इस प्रकार यह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे, 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 दे भी सकता है, है।, है। इसी कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट इसी कम्बिनेशन को इलेक्ट्रोड के इसी कम्बिनेशन को हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड कहते हैं या इसी को एच जी इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है एच जी इलेक्ट्रोड ठीक है लेकिन एच जी इलेक्ट्रोड में दो तरह की बातें हो सकती हैं कोई ऐसा एच जी का कंपाउंड आप ले लीजिए जो सॉल्युबल हो तो फिर वो सिंपल इलेक्ट्रोड एजी जी वो जो पहला नहीं बताए थे कल धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड उसमें तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा और ये इस कैटेगरी में है क्योंकि एच जी टू एच जी टू सी एल टू सॉलिड है ना कि कोई सॉल्युबल साल्ट ये एक इनसॉल्युबल साल्ट तो हम यहाँ पर जरूर लिख सकते हैं जैसे याद कीजिए कल भी हम लिखे थे ये था इन साल्ट और ये सॉलेबल साल्ट उधार लीजिए तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें पता है तुमको क्या इंपॉर्टेंट है इसमें इसमें तुम्हारे लिए इसका रिएक्शन इंपोर्ट किसी भी सुनो किसी भी इलेक्ट्रोड में तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है रिएक्शन और वह रिएक्शन दो तरह से कर सकता है ऑक्सीडेशन हाफ भी और रिडक्शन हाफ भी तो एक समझ लीजिए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि दूसरा पहला ही दूसरे का रिवर्स होता है या दूसरा पहले का रिवर्स होता है उतारिये सुनिए आप लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें आता है कि सर आप यहाँ पर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिए हैं जबकि अभी तक जितना भी केस आप पढ़ाए थे उसमें जो धातु का आयन होता था उसी का इलेक्ट्रोड लिया जाता था ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये हमारी कमी थी कि हम तुमको अपने मन से नहीं बता पाए मेरे दिमाग से स्लिप किया ये हमको खुद बता देना चाहिए था सुनिएगा ध्यान से प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल होता है वो जल्दी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है यहाँ पर क्या दिक्कत है कि हम जब भी धातु लेंगे तो हमको सिल्वर का धातु लेना पड़ेगा सॉरी सॉरी मरकरी का और मरी के मरकरी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये होता है लिक्विड तो हम इसको एक इलेक्ट्रोड के रूप में खड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब एक रॉड के रूप में इसमें डाल नहीं सकते हैं तो ऐसी स्थिति में यदि आप कोई धातु का आयन अंदर बना रहे हैं और आप उसका रॉड नहीं ले सकते हैं तो आप उस जगह पर प्लेटिनम का रॉड ले सकते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का पहला और दूसरा ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है यह किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं।, नहीं लेता है तो आप इलेक्ट्रोड के जगह पर प्लेटिनम रॉड डाल सकते हैं क्योंकि यह दूसरे किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा जैसे यदि जिंक के रॉड में हम मतलब कॉपर वाले सॉल्यूशन में यदि हम जिंक का रॉड डाल दें तो उस वहाँ क्या समस्या हो जाएगा कि वो जिंक और कॉपर ही आपस में रिएक्शन कर लेगा तो वो सेटिंग करना वहाँ पर मुश्किल है लेकिन यहाँ पर मुश्किल नहीं है क्योंकि प्लेटिनम एच के साथ रिएक्शन नहीं, नहीं करेगा, करेगा। ऐसा इसीलिए लिए किया गया ये हमारी मजबूरी है क्योंकि एच लिक्विड के फॉर्म में रहेगा और हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड के रूप में इसको खड़ा नहीं कर सकते हैं देट्स रीज़न हाँ बिल्कुल है गोल्ड गोल्ड भी ले सकते हैं हाँ लेकिन प्लेटिनम सबसे ज़्यादा सुपर है इसीलिए ऐसा किया गया क्या ले लें बताओ क्या ग्रेफाइड ग्रेफाइड धातु तो है रे ग्रेफाइड कार्बन को ना कहते हैं ऐल रहा है अरे खड़ा हो गया बोलो मुँह पर हाथ धर के क्यों बोलते हो चल खड़ा हो गया क्या बोलना चाह रहे हो बोलो हाँ हाँ ले हम तो बोले ही ले सकते हैं आप प्लेटिनम ले सकते हैं गोल्ड ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं पहले आप बोले ग्रेफाइट नहीं ले सकते हैं। वो धातु नहीं है वो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन ग्रेफाइट भी अब यदि ग्रेफाइट यहाँ पर लेते हैं तो ग्रेफाइट लेने में भी समस्या है ग्रेफाइट वगैरह लिया जाता है जानते हैं उस बैट उस बैटरी में वो छोटा वाला जो बैटरी है उसमें लिया जाता है तो उसका हम फंक्शन आपको बताएंगे ग्रेफाइड उतना बढ़िया चीज़ नहीं है जितना बढ़िया प्लेटिनम और गोल्ड है ग्रेफाइड हमको लगता है एफिशियंसी उसका ना के बराबर होगा इस इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाँ ये सब जो सेल मिलता है ना बैटरी वगैरह वाला उसमें उसका यूज किया जाता है और उसके बारे में आपको बताया जाएगा बाद में एक्चुअल में आपका एक टॉपिक है कॉमर्शियल सेल व्यावसायिक सेल के बारे में आपको बताना है उसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा कौन चीज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा रिएक्शन के तौर पर क्वेश्चन कुछ और रहेगा इस सेल का चर्चा कर देगा इस सेल का चर्चा करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या है यदि केमिकल रिएक्शन आपको नहीं पता रहेगा तो आप इसका क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं तो इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो इनडायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या होता है ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कहेगा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैलोमेल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया है कैलोमेल इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ है हो गया उसमें दोनों बात दे दिया है दोनों इलेक्ट्रोड का रिएक्शन अब आपको पता होना चाहिए एक देखे हो दूसरा भी देखोगे देखो ग्रेफाइड यदि तुम इसमें लोगे ना तो ग्रेफाइड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन जनरली वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है ग्रेफाइड दूसरा यदि उसका सॉलिड बना के हम पानी में डाल दें तो मे बी ये मतलब तो उसको डैमेज करेगा ठीक है तो लिक्विड वाले सब्सटेंस या लिक्विड सेल में ग्रेफाइट का जनरली यूज नहीं किया जाता है इसीलिए हम इसका यूज यहाँ पर नहीं करेंगे हालांकि एक बात एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आप वैसा कोई भी रॉड इसमें डाल सकते हैं या वैसा कोई भी सब्सटेंस आप डाल सकते हैं कंडीशन के साथ समझ लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर हो ठीक है पहला और दूसरा जो अंदर के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन ना करता हो ठीक है और इसमें सुपीरियर है दो रॉड एक गोल्ड का और दूसरा प्लेटिनम का

अब ये तीसरा जो टर्म है इस पूरे चैप्टर में आपको लगातार आता रहेगा सबसे ज़्यादा आता है पहला और तीसरा ये जो तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोड का इसको हम लोग बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड अभी तक देखो हम सॉलिड सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड देखिए लिक्विड सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड देखिए अब किसका इलेक्ट्रोड देखेंगे गैसियस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड किसी भी फिजिकल स्टेट वाले सब्सटेंस का बनाया जा सकता है ये फिगर आपको बार, बार बार बनाना पड़ेगा आगे तो आप थोड़ा इसको ढंग से समझ लीजिएगा देखो गैस इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा होता है ध्यान देना बाबू और आसान है भारी नहीं है ये बिल्कुल एक बर्तन हम लिए बर्तन में इस तरह का बर्तन कुछ इस तरह का होता है यहां से एक वायर आता है और यहां पर एक प्लेट लगा हुआ रहता है और ये जो प्लेट होता है ना ये भी प्लेटिनम प्लेट होता है प्लेट समझ रहे हैं आप चादर ठीक है इसमें पानी भर लीजिए और पानी भरने के बाद इसके अंदर से आपको गैस प्रोवाइड करना पड़ेगा जैसे यदि आप इसमें इसमें यदि आप हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो अंदर में एच प्लस होना चाहिए यदि सी एल माइनस डालते हैं तो अंदर में उस पानी में सी एल माइनस होना चाहिए मतलब जो डालिएगा उसका आयन अंदर में होना चाहिए तो मान लीजिए हम इसमें एच सी एल डाल दिए तो अंदर में एच प्लस वो टूटेगा ना जी एच प्लस एच प्लस एच प्लस सी एल माइनस भी होगा लेकिन एच प्लस होगा कि नहीं तो यहाँ पर H प्लस आयन है ढेर सारा अपना H प्लस आयन है तो आप इसमें क्या कीजिए हाइड्रोजन गैस डालिए यदि क्लोरीन गैस डालते यदि हाइड्रोजन गैस डाल रहे हैं तो इसी को हम लोग हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कहेंगे यदि इसमें क्लोरीन गैस डालेंगे तो इसी को हम लोग क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड कहेंगे ब्रोमीन गैस डालेंगे तो इसी को हम कहेंगे ब्रोमीन गैस इलेक्ट्रोड लेकिन हर हाल में जो गैस डालेंगे उसका आयन जरूर होना चाहिए उसके साथ एक और आयन आएगा जैसे एच सी एल डालेंगे तो एच प्लस और सी एल माइनस दोनों आएगा लेकिन हमको भी सी एल माइनस से कोई काम नहीं है हम हाइड्रोजन डाल रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि अंदर में एच प्लस है मतलब सही है वो काम करेगा अब क्या कीजिए इस बर्तन को पूरा पैक कर दिया जाता है ऊपर से चूँकि आप गैसियस इलेक्ट्रोड पर काम कर रहे हैं और यदि आप इसको पैक नहीं करेंगे तो गैस के बाहर निकल जाने की संभावना प्रबल हो जाती है तो इस तरह से उसको पैक कर दीजिए जैसे ही यह गैस इसके अंदर आता है ये फटाफट जाके वहाँ प्लेट से टकराता है प्लेटिनम प्लेट पर टकराता है और प्लेटिनम प्लेट पर जैसे ही टकराता है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तुरंत टूट जाता है H2 गैस ये टूट जाता है टू एच प्लस में और साथ साथ निकाल देता है दो इलेक्ट्रॉन जो एच प्लस निकला वो पानी में जाके घुल गया पानी में जाके मिल गया और जो इलेक्ट्रॉन निकला इस प्लेट में समाया इस प्लेट के थ्रू इस वायर में आया और इस वायर के थ्रू बाहर निकल गया तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन हाफ अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन इसी को देने लगा कोई इससे पावरफुल है ज़्यादा रिएक्टिव है तो उधर से इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया तो उधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसी पर आएगा ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा एक एच प्लस और एक और एच प्लस वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर जाएगा थोड़ा उसी का रिवर्स रिएक्शन देखिए आप टू एच प्लस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर जाएगा तो क्या होगा सो देखो इसी को हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ देखिए पहले हाइड्रोजन गैस जब हम दिए तो ये एच प्लस में टूटा और ये हमको दिया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू बाहर निकला और सामने वाले इलेक्ट्रोड में चला गया होगा जब इलेक्ट्रॉन उधर से आया तब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन जब आया तो दो एच प्लस एक एच प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया दूसरा एच प्लस दो दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया और ये हाइड्रोजन गैस फिर इसी रास्ते इधर से बाहर निकल गया पास कर गया मतलब आप एक चीज़ गौर कर रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन की घटना हुई है तो हमको हाइड्रोजन गैस डालना पड़ा है और जब इसी गैस या में रिडक्शन की घटना हुई है तो ऑटोमेटिक वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकला है ये तो सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस रिडक्शन है या रिडक्शन का उल्टा प्रोसेस ऑक्सीडेशन है इसमें हमको हाइड्रोजन गैस डालने की ज़रूरत पड़ी अंदर में एच प्लस बढ़ा और जब रिडक्शन होगा तो अंदर में एच प्लस घटेगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलेगा तो बस यही दो रिएक्शन है इसी में यदि आप सी एल सी एल डालते तो वो वो बदल जाता है टू सी एल माइनस में सी एल टू दो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करता है तो वो क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो जाता लेकिन हाँ वहाँ पर इसका उल्टा बात होता है ये गैस जाने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है जबकि क्लोरीन अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि सी एल टू कन्वर्ट करेगा दो इलेक्ट्रॉन लेके कर टू सी एल माइनस में और, और यदि वो ऑक्सीडेशन करेगा तो दो सी एल माइनस आपस में दो इलेक्ट्रॉन देगा तो सी एल टू गैस बना के निकाल देगा तो जब क्लोरीन की बात आएगी तो आगे अपने आप चर्चा आ जाएगा एक ही बार में आप सारा चीज़ नहीं सीख सकते आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है बस एक बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और एक बार हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा देगा कब जब हम गैस को डालेंगे ये प्लेट पर टूटेगा दो एच प्लस आयन में कन्वर्ट करेगा साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इस प्लेट के माध्यम से इस वायर के थ्रू बाहर निकल जाएगा और यदि हम उधर से कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दे जो इसी को इलेक्ट्रॉन देने लगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा दो हाइड्रोजन H प्लस आयन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन गैस बना के इसी रास्ते से बाहर निकल जाएगा तो यही काम आपको बार बार कराना है एक बार हाइड्रोजन दे के उसको H प्लस आयन में तोड़ना पड़ेगा और एक बार इलेक्ट्रॉन आएगा और वो दो एच प्लस आयन लेके उसको हाइड्रोजन गैस में बदल देगा उतारिए क्या हुआ डेफिनेशन कुछ कोई डेफिनेशन इसका इसकी समझ है इसकी अंडरस्टैंडिंग इसका कोई डेफिनेशन नहीं चार नंबर हीटिंग डालिए आयन आयन इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड का चौथा टाइप आयन आयन इलेक्ट्रोड अब ये देखो ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है एक बर्तन ले लीजिए आप इसमें भी आप प्लेटिनम का रोड डाल दीजिए और सुनो ध्यान दो इधर इसमें तुम दो तरह का चीज़ मिला दो एगो एफ ई सी एल टू मिला दो तो एफ ई सी एल टू टूटेगा एफ ई टू प्लस में और टू सी एल माइनस में और मिला दो तुम एफ ई थ्री प्लस मतलब मिला दो एफ ई थ्री जो टूटेगा एफ ई थ्री प्लस और थ्री सी माइनस में अब देखिए आयरन का ही इसमें दो गो आयन है एक ऐसा आयन जिसमें आयरन पर दो पॉजिटिव चार्ज और आयरन का एक ऐसा आयन जिस पर, पर तीन पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑक्सी आयन से आयन ही बनेगा लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाएगा देखिए कैसे मतलब जब ये जब इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन ये जाएगा तो कैसे कैसे आएगा जाएगा सो देखो यदि Fe एक और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो Fe Fe2 एफ प्लस एफ प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा तो Fe2 प्लस यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर सकता है साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन उधर से आएगा तो यह Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो कन्वर्ट कर जाएगा Fe2 प्लस में यानी इसी का उल्टा रिएक्शन यानी Fe3 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बना दिया अब आप देखिए कि दोनों केस में आयन ही न रह गया इसीलिए इसको बोला जाता है आयन आयन इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ और ये हो गया नीचे वाला रिडक्शन हाफ हालांकि इसकी ज़रूरत आपको पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पड़ेगी लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोड भी होता है बस हो गया ख़त्म नेक्स्ट क्लास में होगा इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पूछा जाता है चोचियाना बिल्कुल नहीं है उतारिए नहीं भी समझे तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है और इसमें नहीं समझने वाला ऐसा कोई बात ही नहीं है आपको पता है ना कि आयरन का दो तरह का वेरिएबल वैलेंस इस शो करता है आयरन प्लस टू में भी रह सकता है और प्लस थ्री में भी रह सकता है प्लस टू यदि प्लस थ्री में चला जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा प्लस थ्री यदि प्लस टू में आ जाएगा तो रिडक्शन हो जाएगा ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा जी कल से इवनिंग टाइम में शाम में आज के लिए बस इतना ही बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में